जो आप सामने में देख रहे हैं वो स्कोडा का सलाविया देख रहे हैं, और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। और ये स्कोडा सलाविया का एम्बिशन वेरिएंट है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। इसके सामने के लुक की बात की जाए तो सामने का लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। और DRL हेडलाइट की बात की जाए तो आपको यहाँ पास क्या देखने को मिल जाता है, हेलोजन बल्ब दिया गया है, और ग्रिल कुछ ऐसा दिया गया है, ऐसा ही दिया गया है। पियानो ब्लैक फेस में आपको दिया गया है। और नीचे की ग्रिल की बात की जाए तो मैट कलर में है। और यहाँ पास फॉग लैम्प की बात की जाए तो ये फॉग लैम्प भी आपको हेलोजन बल्ब में है। और हाई बीम लो बीम के लिए अलग अलग दिया गया है। और इसकी व्हील की बात की जाए, मतलब इसमें अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो इसकी इसी के साथ इसकी टायर की साइज़ की बात कर लेते हैं तो 205/55R16 का प्रोफाइल का टायर देखने को मिल जाता है। स्कोडा की बेजिंग दी गई है, ठीक है। इसके मिरर की बात की जाए तो इसी में आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। कि डोर की बात की जाए तो दोनों तरफ पैसेंजर एंड ड्राइवर्स तरफ आपको यहाँ पास आपको रिक्वेस्ट आपकी के लिए एंट्री बटन दिया गया है। इसकी लुक की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। और इसकी बूट की स्पेस की बात की जाए तो 521 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और पीछे के सेंसर की बात की जाए तो पीछे में आपको 3 सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, 3 सेंसर आपको पीछे में देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको LED लाइट में आपको दिया गया है, मैं बता दिया हूँ। और शावर फिन एंटीना कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इसी के साथ इसके इंटीरियर पर चलते हैं और दिखाते हैं इसके इंटीरियर। इसी के साथ इसके इंटीरियर पर आ चुके हैं तो इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या देखने मिल जाता है, इसमें आपको कुछ इस तरह से आपको डुअल टोन में आपको देखने मिल जाता है। बेस कलर में आपको इंटीरियर और ब्लैक कलर में आपको दिया गया है, डुअल टोन आपको इंटीरियर देखने मिल जाता है। स्कोडा की बेजिंग यहाँ पास दी गई है और आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पास दिया गया है। कुछ इस तरह से आपको स्टीयरिंग देखने मिल जाता है। 1 लीटर के साथ ये गाड़ी आती है। और ये कुछ इस तरह से स्पीडोमीटर दिया गया है। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, जो कि यहाँ पास स्पीड को दिखाता है। इस तरफ में आपको RPM मीटर को दिखाता है। और इसकी बात की जाए तो 8 इंच का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसकी बात की जाए गियर की तो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है, ठीक है। और हैंड ब्रेक की बात की जाए तो हैंड ब्रेक कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। और 12 वाट को यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। और इसकी बात की जाए एसी की तो एसी कुछ इस तरह से आपको एसी का बटन मतलब कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, ऑटोमेटिक में आती है। और ये कुछ इस तरह से आपको ग्लोव बॉक्स देखने मिल जाता है, जो कि कोल्डेवर ग्लोव बॉक्स आता है। और एसी की विंड की बात की जाए तो मस्त गोल सा दिया गया है, ये मस्त ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ पास थोड़ा सा क्रोम का यूज़ किया गया है। और इसकी बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको क्रोम में दिया गया है। पावर विंडो की बात की जाए तो ये पूरा मैट कलर में दिया गया है बेस वेरिएंट के कारण, ठीक है। और कुछ यहाँ पास ये कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ की तो ये आपको लेदर में नहीं दिया गया है, ये आपको फैब्रिक में ही दिया गया है। ये भी सीट कवर आपको फैब्रिक में ही है और कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। और RVM की बात की जाए तो डे नाइट RVM के साथ ये गाड़ी आती है। इसकी बात की जाए तो यहाँ पास आपको मतलब कि मिरर नहीं दिया गया है, इधर आपको मिरर देखने को मिल जाता है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पास आपको लाइट दिया गया है, जो कि बैटरी डाउन है इसीलिए थोड़ा सा चालू नहीं कर सकते हैं। मतलब वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए, यही गाड़ी आपको वैल्यू फॉर मनी है। भगाने में एक नंबर, दौड़ाने में एक नंबर, सर्विस भी एक नंबर, शोरूम की हर जगह से एक नंबर। और इसकी बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको रूफ देखने मिल जाता है। रूफ कुछ इस तरह से आपको दी गई है, मतलब बहुत ही अच्छा दिया गया है। 2 एयरबैग इस गाड़ी में आती है, पहला ये दूसरा वो, दो ठने एयरबैग आता है। और अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, उससे पहले जाते हैं इसके बारे में, गाड़ी के बारे में। और
फाइव स्टार आपको सेफ्टी रेटिंग देखने मिल जाता है। और इसकी विड्थ है, लेंथ एंड हाइट की बात कर लेते हैं इसी के साथ। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 45-41 mm का आपको लेंथ देखने मिल जाता है, और विड्थ की बात की जाए तो इसकी 1752 mm का आपको विड्थ देखने मिल जाता है। इसकी हाइट की बात की जाए तो 1507 mm का हाइट देखने मिल जाता है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए आपको देखने मिल जाता है 179 का। फ्रंट की तो आपको डिस्क ब्रेक में देखने मिल जाता है, और रियर की बात कर लेते हैं तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक में देखने मिल जाता है। इसकी बात की जाए फ्यूल के टैंक की तो आपको 45 लीटर का आपको फ्यूल का टैंक देखने मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ इसके इंजन की, कुछ इस तरह से आपको इंजन देखने मिल जाता है, और इसकी BHP की बात की जाए तो 113 BHP आपको देखने मिल जाता है, और इसकी NM की बात की जाए तो 178 आपको NM देखने मिल जाता है, और इसकी इंजन की बात की जाए तो 1 लीटर आपको इंजन देखने में मिल जाता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, और पूरी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए।